शाहबाद कस्बे में करंट लगने से उपभोक्ता की हालत हुई गंभीर। गंभीर हालत में उपभोक्ता सीएससी में हुई भर्ती। बिजली कर्मियों की मनमानी बनी करंट लगने की वजह। बिजली कर्मियों पर लगा अवैध वसूली के लिए चेकिंग का आरोप। एक संविदा कर्मी को भीड़ ने पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस संविदा कर्मी को ले गई कोतवाली। शाहबाद कोतवाली कस्बे के मोहल्ला वाजिद खेल का है ये पूरा मामला। दरअसल बिजली कर्मिकों की टीम उपभोक्ता के घर पहुंची। उपभोक्ता के घर के बाहर बिजली का मीटर लगा था। बावजूद इसके बिजली कर्मचारियों से घर के युवक से छत पर चढ़कर केबल दिखाने के लिए कहा गया। युवक मोनिस उम्र 36 वर्ष छत पर चढ़कर बिजली का केबल दिखाने लगा। जैसे ही उसने केबल पकड़ा वैसे ही एक संविदा कर्मी ने बिजली का केबल खींच दिया जिससे वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। जिसे जहां एक ओर आनंद फानंद सीएससी शाहबाद में भर्ती कराया गया वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा पकड़े गए संविदा कर्मी को पुलिस कोतवाली ले गई। मामला ये है, ये लाइट वाले 6 बजे आए, कोई टाइमिंग नहीं थी, कोई अभियान नहीं चल रहा, कोई स्कीम नहीं चल रही है। ये बिजली चेकिंग करने आए, ऊपर अकेला चेक कराने गया तो उन्हें केबल खींच दिया, उसके करंट लगा, वो नीचे आ गया। 6 फीट का जवान था, अगर हल्का फुल्का होता चला जाता। ये क्या करते, इसका क्या जवाब देते बिजली विभाग वाले, कोई जवाब देते? कौन कौन आया था बिजली चेक करने? उसमें जितने प्राइवेट सेक्टर के थे जय थारे थे, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। संजय भी थे, संजय भी है उसमें, संजय ही मौके था, संजय ने तार खींचा। हमने पकड़ा था, मुंह ने पकड़ा था।